पे जब कोई भी मेरे पास लोन की कंसल्टेंसी के लिए आता है, होम लोन की कंसल्टेंसी के लिए आता है, तो पूरा फॉर्म फिल कर लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। और जब लास्ट में कॉलम आता है टेन्योर का, तो मैं उनसे पूछता हूँ और वो मुझसे पूछते हैं कि टेन्योर कितना रखना है सर। तो मैं जब क्लाइंट से पूछता हूँ, अपने कस्टमर से पूछता हूँ कि सर टेन्योर कितना रखना है, तो वो कहते हैं कि सुबोध जी, दादा परदादा तो कहते थे लोन लेना ही नहीं चाहिए, पिताजी कहते हैं कि लोन लो तो कम से कम टेन्योर का लेना चाहिए, और आप क्या कहते हो आप हमें बताओ। तो मेरे लिए बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाती है कि दादा परदादाओं की सोच को चैलेंज करूं, या पिताजी की सोच को चैलेंज करूं, या जो मेरी सोच है वो मैं कस्टमर को बताऊं और उसका कंफ्यूजन और बढ़ा दूं। तो मेरे ख्याल से होम लोन टेन्योर कितना होना चाहिए, ये एक बड़ा कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट है, और अलग अलग लोगों की इस विषय पे अलग अलग राय है। कुछ लोग ये समझते हैं कि होम लोन कम से कम टेन्योर का होना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि अगर लोन कम टेन्योर का होगा तो इंटरेस्ट कम जाएगा, ऐसा वो समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लोन अगर लॉन्गर टेन्योर का होगा तो इंटरेस्ट ज़्यादा जाएगा। तो क्या उनकी ये सोच सही है, और मेरा इस विषय के बारे में क्या सोच रहे हैं कि होम लोन टेन्योर कम से कम पीरियड का होना चाहिए, या अधिकतम पीरियड का होना चाहिए, या ऑप्टिमम पीरियड का होना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और हर पर्सन की अपनी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से तो आपको डिसीजन लेना ही है, पर मैं अपने विचार आज जरूर इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि लॉन्गर होम लोन टेन्योर लेने के क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा, सबको पता है कि अगर आप एक लॉन्गर पीरियड के लिए होम लोन लेंगे तो आपकी मंथली ईएमआई कम होगी, जिससे कि आपकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर आपको ज़्यादा लोन चाहिए और आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो आप लंबे से लंबे टेन्योर के लिए लोन लीजिए। 30 ईयर्स तक का टेन्योर का होम लोन भी अवेलेबल है, और स्टेप अप लोन्स भी अवेलेबल होते हैं, उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। तो लॉन्गर होम लोन टेन्योर लेने का पहला फायदा यह है कि आपकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। लॉन्गर होम लोन टेन्योर लेने का दूसरा फायदा यह है कि कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, इस बात से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने कम ईएमआई पे कर रहे हैं यदि आप, और अगर आप उसे बढ़ाना चाहें, आपको लगता है कि मेरी रीपेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है और मेरी मंथली होम लोन की ईएमआई कम है, तो आप अपने बैंक को विजिट कीजिए और उन्हें बोलिए कि अब मैं 15,000 रुपये ईएमआई नहीं देना चाहता, मैं 25,000 रुपये ईएमआई देना चाहता हूँ। बैंक विल बी हैप्पी टू ऑब्लाइज यू एंड इंक्रीज योर ईएमआई। तो अगर आपने अपनी होम लोन की ईएमआई कम रखी है, अपनी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कम रखी है, तो आप उसको बढ़ा जब मर्जी सकते हैं। तो कंट्रोल आपके हाथ में, अगर आपने एक शॉर्टर टेन्योर के लिए लोन लिया होता और एक हाई ईएमआई रखी होती, और किसी भी विकट परिस्थिति में, कभी किसी इमरजेंसी में आप बैंक के पास जाते और बोलते मेरी ईएमआई कम कर दो और मेरा लोन टेन्योर बढ़ा दो, तो वो उतना आसान काम नहीं है। तो ईएमआई बढ़ाना हमेशा आपके हाथ में है, ईएमआई घटाना आपके हाथ में नहीं है। ये दूसरा फायदा है लॉन्गर लोन टेन्योर लेने का। पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी बात है। जब आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, तो आप समझते हैं कि आपकी प्रमोशन होगी, आपकी सैलरी और बढ़ेगी, तो करंट में तो मैं इतनी ईएमआई पे कर सकता हूँ और फ्यूचर में मेरी ईएमआई रीपेइंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, भगवान करे ऐसा ही हो। परंतु जिंदगी है, कोई भरोसा नहीं होता। अच्छे अच्छों की नौकरियां चली जाती हैं, चलते हुए बिजनेस डूब जाते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती है और कंपनीज बंद हो जाती हैं। तो कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस लाइफ में हो सकता है इन फ्यूचर। अगर आप अपनी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कम रखेंगे, और भगवान ना करे कल को आपकी जॉब पे या आपके बिजनेस पे कोई आर्थिक संकट आ जाए आपके ऊपर, तो आप उस फिक्स्ड ऑब्लिगेशन के साथ जो कि कम रखी है आपने, किसी तरह सरवाइव कर पाएंगे। परंतु यदि आपने बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव होके अपनी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन हाई रख ली है, और कल को कोई फिनेंशियल क्राइसिस आपके ऊपर आ गया, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस फिनेंशियल क्राइसिस से निपटना। और सेकंड पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर भगवान करे सब कुछ अच्छा रहा, तो ईएमआई तो आप जब मर्जी बढ़ा सकते हैं। तो तीसरा बड़ा फायदा लॉन्गर होम लोन टेन्योर लेने का ये है कि इट इज ए क्राइसिस प्लानिंग फॉर फ्यूचर। तो आई थिंक इट इज ए वेरी
big advantage of taking home loan tenure for longer period and keeping fixed obligation low. चौथा बड़ा point longer period के लिए home loan लेने का ये है कि आप चाहे छोटे पीरियड के लिए होम लोन ले या लॉन्गर पीरियड के लिए होम लोन ले, आपके इंटरेस्ट पे पीरियड का कोई असर नहीं पड़ता. इट माइट बी ए शॉकिंग न्यूज फॉर यू, क्योंकि आमतौर पे लोग यही समझते हैं कि अगर हम छोटे पीरियड के लिए लोन लेते हैं तो ईएमआई के अंदर जो हमारा रेशियो है प्रिंसिपल का वो ज़्यादा होता है, और अगर हम लॉन्गर पीरियड के लिए लोन लेते हैं तो ईएमआई के अंदर हमारा प्रिंसिपल का रेशियो कम होता है. मैं राइट ऐसा ही समझते हैं ना, परंतु ऐसा नहीं है. आप मेरा एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने लिखा है सीक्रेट एक्सपोज्ड व्हाई बैंक्स कीप हायर इंटरेस्ट पोर्शन इन द लोन ईएमआई. असल में होता यह है कि आप जितना भी लोन लेते हैं प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जो भी होता है आपका, आप हर महीने उतने पे ही लोन देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने 25 लाख रुपए का होम लोन लिया, चाहे वो 5 साल के लिए लिया, चाहे वो 10 साल के लिए लिया, चाहे वो 25 साल के लिए लिया, और 10% के रेट पे लिया फॉर एग्जांपल, तो आपका जो इंटरेस्ट आउटफ्लो होगा हर महीने, तो पहले महीने आपने 25 लाख रुपए यूज किए बैंक के, आपने कोई एडवांस ईएमआई तो दी नहीं बैंक को, एक महीने के बाद ईएमआई जाती है, 25 लाख रुपए आपने यूज कर लिए बैंक के, तो पहले महीने आपका ब्याज 25 लाख रुपए पे लगेगा. तो जो उसकी ईएमआई बनी थी 25 लाख रुपए की, तो बैंकों का कंसेप्ट होता है कि पहले वो उस ईएमआई में से इंटरेस्ट पोर्शन रिकवर करते हैं और रिमेनिंग अमाउंट प्रिंसिपल की तरफ रीपेमेंट हो जाता है. तो 25 लाख रुपए का पहले महीने का 10% की दर से एक महीने का सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 करके, और जो वो इंटरेस्ट आए उस 25 लाख की ईएमआई में से घटा दीजिए, तो रिमेनिंग अमाउंट प्रिंसिपल होगा वो 25 लाख में से माइनस हो जाएगा. तो नेक्स्ट मंथ आपका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहेगा वो 25 लाख नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा. फिर उस कम अमाउंट पे 10% की रेट से ब्याज लगेगा, तो वो इंटरेस्ट पोर्शन कम हो जाएगा. तो आपने कितना लोन लिया और कितने पीरियड के लिए लोन लिया, ये दोनों ही बातें इररिलेवेंट हैं और इमटेरियल हैं. बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपका लोन किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है और आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है. तो अगर आप लॉन्गर पीरियड के लिए भी लोन ले रहे हो 30 साल के लिए, तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है. अगर आप 30 साल तक लोन चलाते ही रहोगे तो नेचुरली जब तक आपने मेरे से पैसे ले लिए उधार वगैरह वापस ही नहीं कर रहे हो तो ब्याज देना ही पड़ेगा ना. लेकिन अगर आपने लॉन्गर पीरियड के लिए भी लोन लिया और आप जल्दी प्रिंसिपल रीपेमेंट कर दे रहे हैं, प्रीपेमेंट कर रहे हैं, आजकल होम लोन में प्रीपेमेंट का कोई चार्ज नहीं है, यू कैन गो एंड प्रीपे, तो आपका इंटरेस्ट आउटफ्लो ज़्यादा नहीं जाएगा. तो ईएमआई के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशो जो है उसका शॉर्ट टर्म लोन टेन्योर या लॉन्गर टेन्योर से कोई भी लेना देना नहीं है. इसलिए आप निश्चिंत होकर लॉन्ग टर्म टेन्योर लीजिए, क्योंकि उसका इससे कोई भी रिलेवेंस नहीं है. लॉन्गर पीरियड के लिए होम लोन टेन्योर लेने का पांचवा फायदा जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि ये फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की आशंका रहती है उसके अगेंस्ट भी कुशन का काम करता है. कैसे? क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्लोटिंग रेट पे लोन लेना पसंद करते हैं इस उम्मीद में कि शायद रेट कम होएंगे फ्यूचर में, लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है. आपने होम लोन ले लिया 8.5% के रेट पे और सोचा कि इतनी ईएमआई तो मैं दे ही सकता हूँ तो मैं ईएमआई बढ़ा देता हूँ, लेकिन अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भगवान ना करे 8.5% से बढ़ के 10.5% पे चला गया, तो बैंक या तो आपका लोन टेन्योर बढ़ा देंगे या आपकी ईएमआई बढ़ा देंगे. तो उस कंडीशन में अगर आप कहते हो मैं अपना लोन टेन्योर नहीं बढ़वाऊंगा, तो आपकी ईएमआई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हो सकता है उस समय आपको संकट हो वो ईएमआई पे करने में. तो अगर आप कम ईएमआई रखेंगे और फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाएंगे तो भी आपके पास एक कुशन रहेगा अपनी ईएमआई को ऊपर ले जाने का. पर यदि आप पहले ही ऊपर आ गए हैं और फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो आप फंस जाएंगे, फिर आपको एक्स्ट्रा ईएमआई पे करनी पड़ेगी, आपका टेन्योर बढ़ जाएगा. ये पाँचवा बड़ा फ़ायदा है
कम ईएमआई रखने का लोंगर पीरियड के लिए होम लोन टेन्योर लेकर। सिक्स पॉइंट जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि मैं बहुत सारे लोगों को दिल्ली एनसीआर में मिलता हूँ जो प्रॉपर्टी को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं, और वो एक घर में रहते हैं, दूसरा घर खरीदते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट खरीदते हैं, कुछ टाइम बाद जब रेट बढ़ जाते हैं तो वो उसे बेच देते हैं। तो प्रॉपर्टी को एज एन इन्वेस्टमेंट देखने वाले जो लोग हैं उनको तो कभी भी शॉर्टर पीरियड के लिए लोन लेना ही नहीं चाहिए, उनको हमेशा अपनी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कम रखनी चाहिए। और अगर आज एक प्रॉपर्टी पसंद आई है तो आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी बचनी चाहिए। अगर आपने पहले ही दो होम लोन ले रखे हैं और दोनों की ईएमआई मैक्सिमम कर रखी है और कल को आपको कोई सस्ते में प्रॉपर्टी बेचने वाला मिल भी रहा होगा, तब आपके पास होम लोन फर्दर होम लोन लेने की एलिजिबिलिटी ही नहीं बची। तो अगर आप एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हैं और आप हमेशा इस ताक में रहते हैं कि जैसे ही मुझे कोई सस्ती प्रॉपर्टी मिलेगी मैं उसे खरीद लूंगा, और आपको होम लोन चाहिए उस अवस्था में वो प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए, तब आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए आप होम लोन लीजिए ताकि आपकी फ्यूचर में लोन एलिजिबिलिटी और नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाई करने के लिए हमेशा बरकरार रहे, आपके हाथ में रहे। तो ये सिक्स्थ बड़ा फायदा है लॉन्गर पीरियड के लिए होम लोन टेन्योर का। सातवां पॉइंट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि भाई होम लोन पे प्रिंसिपल रीपेमेंट पे भी टैक्स बेनिफिट मिलता है, होम लोन के इंटरेस्ट पे भी टैक्स बेनिफिट मिलता है, और सर्टेन केसेस में गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट पे सब्सिडी देती है। और मेरे ख्याल से ये सबसे सस्ता लोन प्रोडक्ट है। तो मुझे वाकई समझ में नहीं आता कि आपको जो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स है मार्केट से जो मिल रहे हैं 8.5% के रेट पे आज की तारीख में होम लोन मिल रहा है। अगर आज की बात करूं तो 8.5% के रेट पे आपको होम लोन मिल रहा है, उसके प्रिंसिपल पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, उसके इंटरेस्ट पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, तो आप उसे जल्दी खत्म क्यों करना चाहते हैं? अगर आपकी सर्विस बची हुई है, आपको जॉब करनी है, आपकी इनकम है, तो आपको क्या ज्यादा टैक्स देना बेहतर नजर आ रहा है बजाय कि होम लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का बेनिफिट लेने से? तो क्योंकि होम लोन एक सस्ता लोन प्रोडक्ट है, तो अगर आपके पास सरप्लस पैसे हैं और तो वो सरप्लस पैसे का इस्तेमाल आपको बजाय इसके कि आप शॉर्टर टर्म लेके अपनी ईएमआई बढ़ा के होम लोन को जल्दी रफा दफा कर दें, बेहतर होगा कि आप अपने भविष्य के लिए उस पैसे को बचा के रिटायरमेंट प्लानिंग करें या सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें, म्यूचुअल फंड्स में कुछ पैसे लगाएं कंट्रोल्ड तरीके से, कितना इक्विटी में लगाना है, कितना प्रोविडेंट फंड में डालना है। तो एक सस्ता फंड आपको अवेलेबल हुआ है बैंक से, यू आर वन ऑफ द लक्की कस्टमर्स। जिस तरह हर किसी को जिंदगी में प्यार नहीं मिलता, उसी प्रकार हर किसी को जिंदगी में होम लोन भी नहीं मिलता। सो यू आर द लक्की वन। व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन नहीं आने वाला, तो आप उस पैसे को जल्दी से होम इक्विटी क्रिएट करने में क्यों डाल रहे हैं? आप उससे कोई और दूसरी इक्विटी क्रिएट कीजिए, आप उसे कहीं और इन्वेस्ट कीजिए जहां कुछ एप्रिसिएशन आए। शायद वो 15% नहीं आएगा, शायद वो 10% भी नहीं आएगा, जहां 7% आता है वहां डालिए, क्योंकि यहां तो 7% की उम्मीद भी अगले 5 साल में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हैविंग सेड दिस, अगर आप घर को घर की तरह यूज करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप होम लोन ले रहे हैं, तो भी आपको शॉर्टर पीरियड के लिए लोन लेने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो उस घर में रहना ही है, आपको उसे बेच के कोई प्रॉफिट तो कमाना नहीं है। तो इफ यू थिंक प्रॉपर्टी और होम एज ए शेल्टर, तब भी शॉर्टर पीरियड के लिए लोन लेना मेरी नज़र में कोई सेंस नहीं क्रिएट करता। और अगर आप उसको एक एसेट के तौर पे ले रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो भी आज की तारीख में कम से कम शॉर्टर पीरियड के लिए लोन लेना मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो शॉर्टर पीरियड में एसेट आपकी बन जाएगी तो उसका कोई एप्रिसिएशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। अगर वाकई आप चाहते हैं कि आपका लोन टेन्योर शॉर्टर पीरियड के लिए हो, तो भी पहले आप लॉन्गर पीरियड के लिए लोन लीजिए, अपनी फिक्स्ड ईएमआई कम रखिए। और मान लीजिए शॉर्टर पीरियड के लिए ईएमआई 50,000 रुपये बन रही थी
और आपने लोंगर टेन्योर किया तो ईएमआई बनी 30,000 रुपये। तो आप बैंक में जाइए अगले महीने और बोलिए कि मेरी ईएमआई बढ़ा के 50,000 कर दीजिए और 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मेरे अकाउंट से डिडक्ट कीजिए। तो आपके लिए तो 50,000 का ही मंथली आउटफ्लो हो गया, परंतु ये जो 20,000 रुपया पे करेंगे इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट जीरो है, ये 100% प्रिंसिपल रिपेमेंट हो रहा है। तो बजाय 50,000 रुपये की ईएमआई फिक्स्ड बना के अपने आप को फंसाने के, ये बेहतर है कि आप ईएमआई बनाओ 25,000 रुपये की और बाकी 25,000 रुपये प्रिंसिपल रिपेमेंट हर महीने करो। तो 50,000 आउटफ्लो पहली कंडीशन में भी आपके अकाउंट से हो रहा है, दूसरी कंडीशन में भी आपके अकाउंट से हो रहा है, पर दूसरी कंडीशन में जो 50,000 आउटफ्लो हो रहा है उसमें जो आपने अपनी मर्जी से इंक्रीज की है ईएमआई, वो 100% प्रिंसिपल है, उसमें एक नया पैसा भी ब्याज का, सूद का, इंटरेस्ट का नहीं है। तो जैसे जैसे आप प्रिंसिपल रिपेमेंट करते जाएंगे आपका टेन्योर ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। चलिए चलते चलते मैं आपको एक बड़ा फायदा बता देता हूं जो कि मुझे लगता है कि कम पीरियड के लिए होम लोन लेने से होता है, और वो फायदा है साइकोलॉजिकल फायदा। आमतौर पे हम हिंदुस्तानियों की नेचर और जो हमें अपनी संस्कृति से, विरासत में हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि लोन नहीं लेना चाहिए और कर्जा लेना गलत बात होती है और कर्जा जितना सर पे कम हो उतना अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो सोच साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर हावी रहती है और हमें ऐसा लगता है कि भाई लोन लेना लंबे समय के लिए या ब्याज देना एक गुनाह है, और शायद ये गुनाह हम कर रहे हैं, हमें करना पड़ रहा है, और इस गुनाह से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। तो ऐसा लगता है कि अगर हमारे सर पे कोई लोन नहीं होगा और जल्दी उतर जाएगा और हमारी प्रॉपर्टी फ्री होगी तो हम बोलेंगे वाह हमारी प्रॉपर्टी फ्री है, मैं जिस घर में रह रहा हूँ मुझे वहां रहना ही है, तो मेरी प्रॉपर्टी के कागज बैंक के पास पड़े हैं या मेरे लॉकर के पास पड़े हैं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जरूर है कम टेन्योर के लिए होम लोन लेने का कि मेरी प्रॉपर्टी जल्दी फ्री हो जाएगी, लेकिन अगर आपको उस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं है तो आपको वो प्रॉपर्टी जल्दी फ्री करके क्या करना है वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अपार्ट फ्रॉम दिस साइकोलॉजिकल बेनिफिट, इसमें कोई फिनेंशियल बेनिफिट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस साइकोलॉजिकल बेनिफिट, मुझे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होम लोन लेने का कोई भी लॉजिक मेरे गले से नीचे नहीं उतरता है। हाँ मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस टॉपिक के बारे में अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है और आपकी भी अपनी पर्सनल राय और पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, और हर व्यक्ति की लाइफ सिचुएशंस और फिनेंशियल प्लानिंग अलग होती है, उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, ना ही मैं इस वीडियो के माध्यम से उसे जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ अपने ओपिनियन आपसे शेयर किए, आपने इतना पेशेंटली मेरा वीडियो देखा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा मानना ये है कि बिजनेस कितना भी मुश्किल हो सच्चाई के साथ किया जा सकता है, सच बोल के किया जा सकता है। अगर दिल्ली एनसीआर में आपको होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की कोई भी रिक्वायरमेंट है या बैलेंस ट्रांसफर कराना है या आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। सस्ता लोन बाजार .com को अपना प्यार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।